नमस्कार, मैं हूँ कात्यायनी परासर और आप देख रहे हैं पाठक की नज़र से। एक सराहनीय खबर आ रही है जिससे जिले का नाम रोशन हो रहा है। छपरा के रहने वाले प्रखर पुंज की पेंटिंग को जर्मनी के हिडेनबर्ग की मैगजीन में मिला स्थान। छपरा के युवा कलाकार व शायर प्रखर पुंज की पेंटिंग को जर्मनी के हिडेनबर्ग की प्रतिष्ठित इंस्पिरेशनल आर्ट मैगजीन में मिला स्थान। प्रखर अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता व अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार मेहदी सौ को देते हैं। बिहार से ये पहले युवा कलाकार हैं जिन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त कर अपने जिले सारण व राज्य बिहार का नाम रोशन किया है। इनके पिता शंकर सिंह शहर के प्रतिष्ठित तबला वादक एवं शिक्षक हैं। कलाकारी इन्हें इनके माता पिता से विरासत में मिली है। प्रखर एक कुशल चित्रकार के साथ साथ एक अच्छे शायर भी हैं और देश के कई बड़े मंचों पर अपनी शायरी का जलवा बिखेर चुके हैं। वर्तमान में ये लखनऊ में रहते हुए अपनी शिक्षा और कला को संयुक्त रूप से विस्तार दे रहे हैं। और उस वक्त जो है, जो सप्त कुंडलियां जिनकी जागृत होंगी, जो सिद्ध मनुष्य होंगे, वही जो है नए युग में प्रवेश कर पाते हैं। ये उसके लिए है, सत्य के राह पर चलना चाहिए। और ये है शिव तांडव, जो केरला का जो ट्रेडिशनल डांस कल्चर है कथकली, उसको डिपिक्ट किया गया है। कथकली मुद्रा में शिव तांडव को दिखाया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा वर्सेटिलिटी नहीं है। और ये जो पेंटिंग है, ये है इसका टाइटल ब्लिस ऑफ विजडम, जो मेरी मैगजीन की कवर प्रिंट है। ये सफलता का सिद्ध व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, लाइटेंड को, ये भगवा सैफरन। तो क्या प्राइजेज हैं इनकी? इनके प्राइजेज जो है, ये इस पेंटिंग की कीमत 7 लाख रुपए है और इसकी 12 लाख रुपए है। और ये मतलब ऑक्शन की जो प्राइस लगाई जाती है, दिल्ली आर्ट गैलरी से नॉमिनेट हुआ था ये। अभी फिलहाल जर्मनी के हिडेनबर्ग में ये अभी मैगजीन जो है आर्टिस्ट आर्ट इन नेचुरा, उसके इंस्पिरेशनल 65 के कवर में गई है। आप लोग की दुआएं रही तो अगस्त में जा चुकी है। और क्यूरेटिक आर्ट गैलरी है पटना आर्ट कॉलेज में, मेरे गुरुजी के सौजन्य से ही एक सामूहिक ग्रुप एग्जीबिशन लगी थी 2013 में। तो अभी विभिन्न अभी माध्यमों से, अभी चूंकि पढ़ाई भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ, अभी पढ़ाई चल रही है, तो पढ़ाई के वजह से अभी कंटिन्यूसली आर्ट में अभी हम लोग अप्रोच नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। ये बेसिकली एक फ्रीलांसिंग कैरियर है जिसमें आपको लगा रहना पड़ता है, आपको खुद से खर्च करना पड़ता है, बहुत काफ़ी महंगे होते हैं ये सारी चीज़ें। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अफोर्ड करना, टू बी ऑनेस्ट, बहुत 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 कठिन होता है। 2000 की एक ब्रश आती है, एक आयल जो है, आयल कलर जो आता है वो 300-400 रुपये का आता है, एक कैनवास 5-5 हज़ार का आता है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव ये पैशन है, प्रोफेशन है। अभी तक कितनी पेंटिंग आप बना चुके हैं अभी तक? यात्रा कब से शुरू हुई थी? आज यात्रा तो हमारी सर बहुत बचपन से, मतलब बहुत छोटे से, तरह समझिए कि सर हमारे जो मेहदी शॉ हैं उनकी परवरिश है हमारे ऊपर कला का। उन्होंने बहुत बहुत समय दिया मेरे ऊपर और वो तकरीबन 8-9 साल का सफर है। कितनी पेंटिंग बना चुकी है अब तक? अगर स्केच वगैरह सब छोटी बड़ी मिला ले तो 200-400 तो हुई होगी। अगर सब मॉडर्न आर्ट पे ही बेस है? नहीं, बाकी रियलिस्टिक है जो स्केचिंग और प्रैक्टिसिंग के पीरियड की होती है। मॉडर्न आर्ट वाली पेंटिंग हमारे पास अभी ऑन इन लिस्टेड अभी 15 पेंटिंग है जो रेडी टू एग्जीबिशन है। आगे भी आपको मॉडर्न आर्ट में ही इसको आगे बढ़ाना? बिल्कुल बिल्कुल सर, मॉडर्न आर्ट ही हमारी मेन उद्देश्य है, आगे बढ़ने का मॉडर्न आर्ट ही हमारा पैशन है।